नहीं, आइए देखते हैं आज की एक नजर हेडलाइन पर। मोटा कहने पर बड़े भाई ने ही छोटे भाई को कैंची से मार डाला। दूसरे का बच्चा होने के शक में दादा ने पोते को ही उतारा मौत के घाट। भीख मांग रहे बच्चे को पेट से बांधकर की पिटाई, फिर लूटे पैसे। अब खबरें विस्तार से। यह घटना दिल्ली के नंदन इलाके की दर्शाई जाती है। मोटा कहने पर बड़े भाई ने छोटे भाई को कैंची से मार डाला। पुलिस निजाम के घर पहुंची तो और पूछताछ शुरू की, वह पुलिस को गुमराह करता रहा। इस बीच 3 साल के छोटे बच्चे निजाम के आरी बीच झगड़ा होने की बात बताई थी। बाद में आरोपी ने सच बता ही दिया। आरोपी ने छोटे भाई के सीने में कैंची से घोंपकर मार डाला। आरोपी 28 साल का बताया जा रहा है, जहां उसने अपने छोटे भाई 25 वर्षीय आरिफ मोटा कहने से चिढ़ाया था। इस बात से निजाम बौखला गया और यह वारदात को अंजाम दे दिया। हमले में आरिफ बेहोश होकर नीचे गिर गया। यह देख परिवार वालों ने अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे का बच्चा होने के शक में दादा ने पोते को उतारा मौत के घाट। दूसरे का बच्चा होने के शक में अपने ही 3 साल के मासूम पोते को सिद्धांत को रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। अधम गोला थाने के भरोसे राय टोला गांव में रविवार दोपहर को हुई इस वारदात के बाद सनसनी फैल गई। गांव में अफरा तफरी मच गई और गांव के सैकड़ों लोग बच्चे के घर इकट्ठा हो गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। अधम गोला थानेदार उत्तम ने बताया, बच्चे के गले पर गहरे जख्म के निशान है। बच्चे की मां ने बताया कि उसके ससुराल वाले अक्सर कहते थे कि बच्चे का असली पिता उसका बेटा नहीं है। इसी शक में उन्होंने बेटे की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी दादा फरार है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोषियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। भीख मांग रहे बच्चे को पेट से बांधा, फिर पिटाई करके पैसे भी छीन लिए। पंजाब के लुधियाना से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां भीख मांग रहे एक मासूम को लाड़ोवाल टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने पेट से बांध दिया और बच्चे के साथ पिटाई की। और बच्चा करीब 5 साल का बताया जा रहा है। बच्चे को टोल प्लाजा पर भीख मंगवाते थे। पुलिस आरोपियों को पकड़ने की तलाश में जुट गई है। साथ ही जहां एक राहुल नाम के टोल कर्मियों की पहचान हो चुकी है, बाकियों की तलाश जारी है। एनआरआई कपल ने छुड़वाया बच्चे को। कर्मियों ने इतना पीटा कि बच्चे के मुंह से आंख और कान से खून निकलने लगा था। कपल ने कर्मचारियों को फटकार लगाई और उससे छुड़ाया। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।